तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिका एस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी। आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा प्रयास है कि एक ही वीडियो के माध्यम से हम आपको वन डे स्टेट पीसीएस और आईएएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करा सकें। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्लासी के युद्ध उसके परिणामों के बारे में बात की। प्लासी का युद्ध हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में सिराजुद्दौला शहीद हो गया, उसके बाद मीर जाफर नवाब बना। मीर जाफर के बाद 1760 में मीर कासिम को नवाब बनाया गया। बाद में मीर कासिम और कंपनी की भी झड़प शुरू हो गई। मीर कासिम एक झड़प में कंपनी की सेना से हार करके अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया। आपको पता ही होगा अवध। अच्छा, आप क्या आप लोग बता सकते हैं कि स्वतंत्र अवध रियासत की स्थापना किसने की थी? हमारी क्लास में से कोई बताएंगे स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? सादत खां। हाँ, सादत खां बुरहानुद्दीन, शाबाश। तो स्वतंत्र अवध रियासत किसके समय में अस्तित्व में आ गई थी? मोहम्मद शाह के समय में अस्तित्व में आ गई थी। खैर, तो अवध का नवाब इस समय था शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम था, वो इस समय जो मुगल किंग था वो था शाह आलम सेकेंड। अच्छा, जो शाह आलम सेकेंड मुगल किंग था ये भी दिल्ली से विस्थापित था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर झगड़ा था, तो दिल्ली में एक गुट ने किसी और को बादशाह बना दिया था और एक गुट ने शाह आलम सेकेंड को बादशाह बना दिया था। शाह आलम सेकेंड ने अपना जीवन खतरे में पाया और वो चल पड़ा बंगाल की तरफ को। बंगाल की तरफ को आया, बाद में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने उसे शरण दी थी और इलाहाबाद में, आज आज प्रयागराज हो चुका है, इलाहाबाद में मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड को रहने के लिए ठिकाना दे दिया था। तो मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड जो कि इस समय किसके शरण में था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला की। वो मीर कासिम और खुद अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने तीनों ने अपना गुट बनाया, त्रिदलीय संधि की एक तरह से। तीनों के अपने अपने लालच थे। बंगाल का नवाब मीर कासिम बंगाल को वापस चाहता था, अवध का नवाब जो था वो कंपनी को हरा करके और मीर कासिम को दोबारा से बंगाल में स्थापित करके दिल्ली की राजनीति में, बंगाल बिहार और यूपी की राजनीति में, यूपी यानी कि तबका अवध, उसकी राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा था। मुगल बादशाह तो ऐसा था कि क्या कहते हैं उसको, भागते भूत की लंगोटी ही सही। उसका हाल ये था कि अगर इस लड़ाई में मीर कासिम और अवध के नवाब जीत जाते हैं तो मैं इनको मान्यता दे दूंगा और बंगाल के मीर नवाब मीर कासिम से मुझे भी सालाना कुछ खराज यानी कि टैक्स मिल जाएगा। खैर, जो भी हो, ये तीनों आपस में मिले, तीनों ने मिल करके लड़ाई की तैयारी की। उस समय जो अंग्रेज़ सेना थी वो भी तैयारी कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ प्लासी जीत चुके थे, मीर कासिम को हटा चुके थे। अब अगर उन्होंने अपनी जीतों को, अपनी विजयों को स्थायी रखना था तो ये जो तीन लोगों की तिकड़ी बन चुकी थी, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड और बंगाल का अबदस्त नवाब मीर कासिम, इन तीनों की तिकड़ी को उनके लिए हराना ज़रूरी था। अब अगर ये तिकड़ी अंग्रेज़ों को हरा देती है तो इसका मतलब उनका भारत से बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा। तो ऐसे में दोनों ही जो पार्टी थी उनके लिए युद्ध जो था वो जीवन और मरण का प्रश्न हो चुका था। अब दोनों तरफ से तैयारियां भरपूर थी। अंग्रेज़ों ने प्लासी की जो लड़ाई जीती थी वो छल कपट से जीती थी, लेकिन इस बार बक्सर की जो लड़ाई अंग्रेज़ों ने जीती वहाँ पर दोनों तरफ से पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? नए हथियारों और लड़ाई के नए तरीकों की। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में युद्ध हुआ। ये बक्सर जो है बिहार में है और यूपी के बलिया जिले से ये सटा हुआ है। बक्सर में दोनों गुटों की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जो अंग्रेज़ सेनापति था वो था हेक्टर मुंडो। हेक्टर मुंडो इस लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ सेनापति था। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ सेनापति था लॉर्ड क्लाइव। दोपहर तक ही इस युद्ध का फैसला हो गया और जो तिकड़ी थी वो हार गई। मीर कासिम भाग गया, भागने के बाद उसकी कहीं अनजान ही मौत हो गई। मुगल किंग शाह आलम सेकेंड और अवध का नवाब शुजाउद्दौला एक तरह से अंग्रेज़ों के कैदी हो गए। अब अचानक आप देखिए ना, कहते ना अंधे के हाथ बटेर लग जाना, वो वाला मुहावरा तो खैर यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि अंग्रेज़ों ने पूरी बहादुरी और योजना बना करके इस जीत को हासिल किया था। लेकिन आप अगर देखें, मैं यहाँ पर आपको मैप के द्वारा जो स्थिति है वो बताने की कोशिश करूँगा। श्रीलंका जरूर चलेगा हमारे साथ। तो आप देखें ना, बंगाल, बंगाल का मतलब आज का बांग्लादेश, पूरा का पूरा आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आज का उड़ीसा और उस समय का झारखंड और बिहार, सारा का सारा एक साथ।
बंगाल का मतलब ये था, ये सारा का सारा जो सूबा था ये बंगाल था, बंगाल, बंगाल के नवाब को हरा दिया, बंगाल पर उनका कब्जा हो गया, अवध के नवाब को हरा दिया, अवध के नवाब को हरा दिया, अवध पर वो चाहें तो कब्जा कर सकते हैं, मुगल बादशाह को हरा दिया, दिल्ली ये रही, मुगल बादशाह को हरा दिया, वो चाहें तो आगे बढ़ करके दिल्ली पर भी कब्जा कर सकते हैं, बंगाल उनके कब्जे में है। युद्ध में अवध का नवाब भी हार गया, मुगल बादशाह भी हार गया, वो चाहें तो आगे बढ़ करके पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर कब्जा कर सकते हैं, यानी कि वो चाहें तो रातों रात आज का बांग्लादेश हमारा, आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आज का उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और फिर जब दिल्ली हाथ में आ गई तो हरियाणा, उसके बाद फिर राजस्थान, इन सब पर वो कब्जा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, या क्या किया जाए, इन पर कब्जा किया जाए ना किया जाए, किया जाए तो कैसे किया जाए, ये शासन कौन चलाएगा, इस कब्जे के बाद हम क्या करेंगे, इस कब्जे के परिणाम क्या होंगे, इसको लेकर के वो अब चक्कर में पड़ गए, सोच में पड़ गए। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे बक्सर की लड़ाई के को जीतने के बाद अंग्रेज़ों के हाथ में जो इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी संपत्ति लगी, उसको मैनेज करने के लिए किसको बुलाया गया और उसने इसको कैसे मैनेज किया। थैंक यू।